प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। प्रदेश के अमरोहा जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और एक प्रेरणा ऐप का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। सामूहिक अवकाश लिया गया सभी टीचरों के द्वारा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अमरोहा में प्रदर्शन है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि हमारे विद्यालय में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सारी पूरी करी जाए और एक लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था की जाए और जो प्रेरणा ऐप है उसको लागू ना किया जाए और 17140 है, 18150 है, वो हमारे जो टीचरों को वेतनमान दिया जाए। ये सारी मांगे हमारी लगभग 12 मांगे हैं जो हम सरकार से कह रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? ये हमारा धरना पर 5वां चरण है। आप लोगों के माध्यम से ज्ञापन मिल गया मुझे, वो सरकार तक हम पहुँचा देंगे। जो भी इन्होंने मांगे हैं उसको सरकार को विचार करना होगा। अच्छा, जिले में आज जो है इन्होंने कहा कि अगर हमारी काली पट्टी मांगने से मांगे पूरी नहीं होती तो हम रोड जाम करेंगे और ट्रेनें रोकेंगे। ये संगठन का विषय है, इसके बारे में संगठन ही बता पाएगा आप लोगों को। सर एक क्वेश्चन करेंगे, विभाग की कार्रवाई बिना किसी सूचना के? जैसे कोई आदेश प्राप्त होता उसी क्रम में कार्रवाई बनेगी, कार्रवाई की लखनऊ से जो आदेश आएगा उसके आगे कार्रवाई। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रेरणा लागू किए जाने और पुरानी पेंशन को बहाल ना किए जाने से नाराज होकर आज माध्यमिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्ण रूप से कार्य बंद किया था और कोई भी शिक्षक कार्य पर नहीं था। इस पूरे मामले में शिक्षकों ने सरकार की हठधर्मिता का विरोध किया और कहा कि हम अपना विरोध जारी रखेंगे, प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की खास रिपोर्ट।